एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना ब्लॉग रस्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा टाइम के लिए बाहर गई थी और कल रात से ही बहुत बारिश दे रहा है और बंद नहीं हुआ है और कंटिन्यू कल थोड़ा तो ठीक किया था, बट आज तो पूरा दिन ही बारिश दे रहा है। वेदर बहुत ठंडा है, गर्मी तो समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मी है। और शायद आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, लगता है मास्क की वजह से सुनाई नहीं दे रहा। रास्ता बहुत ही खाली है, कोई है ही नहीं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को बारिश के दिन कहीं जाने का दिल नहीं करता, बट क्या बोले, काम तो पड़ता है इसलिए बाहर जा रही हूँ। और बारिश के दिन सब जगह कीचड़ 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 कीचड़, और हम लोग इधर एक सिस्टम बहुत ख़राब है। मैं जहाँ जिधर रहती हूँ आसाम में, मतलब बारिश स्टार्ट होने से कंटिन्यू बारिश देता रहता है। आज तो दूसरा दिन हो गया बारिश का, और चलते चलते मेरा सांस फूल जा रहा है यार। और पानी, बहुत पानी पीने का दिल कर रहा है। अभी तो पानी कहीं पी नहीं सकती, इसलिए सोचा घर चले जाऊँगी और तब जाके पीऊँगी। और सुबह से बारिश दे रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी काम किया क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं लिख ली, वरना नहीं निकलना था। एक बजने वाला है, एक बजे से हम लोग के इधर टोटल लॉकडाउन हो जाता है। और तो यहाँ पर बहुत लोग अभी काम कर रहे थे, डेली लेबर, अभी उन लोग ने भी काम बंद कर दिया है क्योंकि एक बजे तक के उन लोग को काम करके भी मतलब होगा नहीं, इसलिए काम ख़त्म कर देते। और यहाँ एक आम का पेड़ है, मैं दिखाती, बहुत आम लगा। गाइज आपने देखा कितने बड़े बड़े आम थे, आम देखने से बहुत अच्छा लगता है पेड़ में। आम पर ना क्या बोलते हैं, हम लोग इधर जो आम होता है उनके पेड़ में बहुत कीड़ा रहता है, खाया नहीं जाता। अब कितना सारा आम गिरेगा, इसमें से एक या दो आम ही अच्छा निकलता है, वरना ज़्यादातर में कीड़ा रहता है। ऐसे मीठा तो होता है पर कीड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मुझे ना हम लोग इधर का आम का पेड़ का वाला आम अच्छा नहीं लगता है। जो मार्केट में जो बड़े बड़े आम मिलते हैं, मुझे उस टाइप के आम पसंद लगते हैं। और आपको दिखाती हूँ इधर कितना मतलब क्या बोलते हैं, घास ही घास, मतलब पानी जो बारिश देने से क्या होता है ना, पानी में क्या बोलते हैं, वो हो गया। ये देखिए गाइस कितना सारा, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप चारों तरफ पानी पानी, देखिए ये बारिश हुआ इसलिए यहाँ पर अभी ज़्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था पर अभी बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत काम हो रहा था, ये एक बजे लॉकडाउन के कारण यहाँ काम बंद हुए। ये देखिए एक लॉकडाउन होने से पहले, एक तारीख से एक बजे से लॉकडाउन होने से पहले यहाँ पर काम हुआ था, बट अभी बंद हो गया। गाइस मुझे यही चीज़ अच्छा नहीं लगता, बारिश होने से कीचड़ हो जाता है। मैं जहाँ से जाती हूँ वहाँ आधा रास्ता तो ब्लॉक है। आधा रास्ता तो ब्लॉक है, बट आधा रास्ते में ब्लॉक नहीं है कि इधर तो चलो ठीक है ब्लॉक नहीं, इस तरह कीचड़। ये देखिए अभी जब बारिश स्टार्ट हुआ है, अब तो बारिश कंटिन्यू देते रहेगा देते रहेगा देते रहेगा। सच में यहाँ पर इतना गंदा सिस्टम, बारिश देने से बारिश देते रहेगा, चार पांच दिन तक बारिश देते ही रहेगा। देखा कितना कीचड़ था, इतना मुश्किल होता है बारिश के समय यहाँ करना। और यहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ इतना कचरा, इतना कचरा, बाप रे बाप, लोग इतना कचरा फेंकते अपने घर से, सबसे मतलब एक जगह फेंकते नहीं है, जहाँ किसी का प्लॉट खाली बस
अब उसी को डस्टबिन बना देंगे, और क्या बोलते हैं फिर जब उधर घर बन जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, फिर नया जगह ढूंढेंगे, जिधर खाली होगा उधर ही घर कचरा फेंकना स्टार्ट कर देंगे। और बीच बीच में धूप दे रहा है, धूप देने से अच्छा लग रहा है क्योंकि कल से धूप ठीक से दिया नहीं है। गाइस अभी मैंने मास्क खोला, जैसे लग रहा है फ्रेश हवा आके मेरे लग रहा है, पूरा रास्ता खाली है और इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है हाँ मैं सांस ले रही हूँ। किस किस को मास्क लगा के चलने में प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में श्योर बोलना। गाइस ये देखिए सर में पॉलीथीन लगा के जा रहा है चमरेला के जगह में, जुगाड़। इंडिया तो जुगाड़ करने में एक्सपर्ट ही है, अम्ब्रेला नहीं है इसलिए पॉलीथीन सर के ऊपर लगा के काम चला लिया। और ये देखिए मेरे गली के इधर इतना कीचड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज का ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया हम लोग के इधर कितना प्रॉब्लम होता है बारिश देने से। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगने से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।